हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में बी एल आई टू टू थ्री ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन ब्लॉक टू लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यूनिट सिक्स टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग हमने फर्स्ट वीडियो में इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग पढ़ा था ये वीडियो हमारी पार्ट टू है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग आगे का टॉपिक है आउटर स्लैश फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ कैटलॉग इसके भी कुछ पार्ट हमें देखने हैं डिटेल में बाउंड रजिस्टर फॉर्म प्रिंटेड बुक फॉर्म शी फॉर्म कार्ड फॉर्म कंप्यूटर प्रोड्यूस बुक फॉर्म माइक्रो फॉर्म्स मार्क एंड ऑनलाइन कैटलॉग और सीडी रोम कैटलॉग ये कुछ इसके पार्ट्स थे तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उससे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करना ना भूले और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आउटर फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग या तो हम कह सकते हैं आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग या तो हम कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग अभी हम पढ़ चुके हैं इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग अभी इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग और आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में हम पढ़ते हैं कि उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है ठीक है आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में उसका फॉर्म कैसा होगा रजिस्टर फॉर्म में होगा कार्ड फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा ठीक है ऑनलाइन फॉर्म में होगा किस तरीके से कंप्यूटराइज फॉर्म में होगा प्रिंट फॉर्म में होगा किस तरीके के होगा उस फॉर्म को कहा जाता है ठीक है अब इसके पॉइंट्स में समझते हैं इसको अच्छे से और क्लियर होगा इट इज अ फॉर्म ऑफ कैटलॉग ये एक फॉर्म होता है कैटलॉग का आगे पढ़ते हैं द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कैटलॉग विच इज विच कैन बी यूज कन्वीनियंटली बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर लीडिंग टू लीस्ट कॉस्ट ऑफ इट्स presentation एंड occupy द लेस स्पेस इसका कहने का मतलब होता है ऐसा कैटलॉग हमें लेना है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर इस्तेमाल कर पाएँ कम से कम कॉस्ट में हो और ज़्यादा से कम से कम uh, कॉस्ट लगे और कम से कम स्पेस ऑक्योपाई करें आइए हम फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग को एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं इसके टोटल एट टाइप्स होते हैं आप कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं बाउंड रजिस्टर फॉर्म प्रिंटेड बुक फॉर्म शीप फॉर्म कार्ड फॉर्म कंप्यूटर प्रोड्यूस बुक फॉर्म माइक्रो फॉर्म कैटलॉग मार्क एंड ऑनलाइन कैटलॉग रोम कैटलॉग आउटर या फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग के हमने अभी देखा कि टोटल एट टाइप्स होते हैं अब हम एक एक करके उनके सारे टाइप्स को डिटेल में देखने वाले हैं अभी कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं उसको ध्यान से देखेंगे हम आउटर या फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग का पहला टाइप आता है हमारा बाउंड रजिस्टर फॉर्म अभी क्या होता है वो देखते हैं इन दिस फॉर्म इस फॉर्म में द एंट्रीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी आर रिटर्न इन हैंड इन अ बाउंड रजिस्टर और लेजर इसमें जो डॉक्यूमेंट की एंट्रीज होती है वो हैंड रिटन होती है और और साथ ही साथ इसे रजिस्टर में बनाया जाता है रजिस्टर में एंट्री की जाती है या तो हम कह सकते हैं लेजर बनाया जाता है आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच डॉक्यूमेंट लाइक ऑथर एडिशन एक्सेसन नंबर एक्सेट्रा कहने का मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस रजिस्टर में हमें ऑथर की इनफॉर्मेशन ठीक है एडिशन कौन सा एडिशन है एक्सेसन नंबर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड सेपरेट रजिस्टर्स फॉर ऑथर टाइटल एंड सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड इसमें हम अलग अलग रजिस्टर भी, भी बना सकते हैं ऑथर के अलग रजिस्टर बना सकते हैं टाइटल के अलग बना सकते हैं सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर बना सकते हैं अब हम बाउंड रजिस्टर फॉर्म के एडवांटेजेस देखते हैं इसका पहला पॉइंट यूजर्स फील इट मच मोर कन्वीनियंट टू कंसल्ट बीग लाइक अ बुक यूजर एक तरीके से कंफर्टेबल फील करेंगे कन्वीनियंट फील करेंगे उसको कंसल्ट करने के लिए क्योंकि एक बुक की तरह है ठीक है आगे का पॉइंट क्या क्या बोल रहा है वो देखते हैं इट नीड्स नीदर मच मोर स्पेस नॉर स्पेशल इक्विपमेंट फॉर इट्स डिस्प्ले ड्यू टू इट्स कंपेक्टनेस कहने का मतलब है ना ही इसे ज्यादा स्पेस की जरूरत है और ना ही स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं द क्वालिटी ऑफ पेपर इज नॉट थिक एज द कार्ड कैटलाग हैंस इज ड्यूरेबिलिटी इज लेस एंड कैन नॉट विथ स्टैंड कॉन्स्टेंट यूज बाय द यू रीडर्स कह सकते हैं कि जो उसकी क्वालिटी uh, होती है पेपर की वो थिक नहीं होती है मोटी नहीं होती जैसे कार्ड की होती है इसलिए हम कह सकते हैं ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा ठीक है अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन केस ऑफ स्टोलन अगर बुक चोरी हो गई है डैमेज अगर वो डैमेज हो चुकी है ट्रॉन आउट अगर फट चुकी है मटीलिटेटेड का मतलब होता है बुरी तरीके से खराब हो चुकी है पढ़ने के लायक नहीं है वो बुक एंड आउटडेटेड बुक्स आर टू बी डिस्कार मतलब उसको निकाल दिया गया है वहाँ से हटा दिया गया है देन इमीडिएटली द रेलिवेंट एंट्रीज आर टू बी डिलीटेड फ्रॉम कैटलॉग इससे क्या होता है जो रेलिवेंट एंट्री होती है उन लोगों की उसकी हटा दी जाती है डिलीट कर दी जाती है जिससे रीडर्स को कन्फ्यूजिंग क्रिएट होता है लुक्स एंड वेरी अब हम आउटर या फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग का नेक्स्ट uh, टाइप देखने वाले हैं प्रिंटेड बुक फॉर्म अब ये क्या होता है वो समझते हैं इट इज अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी बाउंड इन अ वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स वेयर एंट्रीज आर प्रिंटेड ऑन अ पेज कहने का मतलब ये एक ऐसा कैटलॉग होता है बुक्स का और अदर रीडिंग मटेरियल जो लाइब्रेरी के अंदर शामिल होते हैं ठीक है वॉल्यूम और वॉल्यूम्स में हम कह सकते हैं और इसकी जो एंट्री होती है एंट्रीज जो होती है वो प्रिंट की जाती है पेपर के ऊपर पेजेस के ऊपर ठीक है हम ये कह सकते हैं इसे हम क्या बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंटेड पेज कैटलॉग इसे हम प्रिंटेड पेज कैटलॉग के नाम से भी जानते हैं और हम दूसरा नाम है इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं कौन सा है वो बाउंड बुक कैटलॉग अब हम प्रिंटेड बुक फॉर्म के एडवांटेजेस देखने वाले हैं पहला पॉइंट ईजी टू कंसल्ट एज अ रीडर कैन हैव अ ग्लैंस ग्लैंस मतलब टू लुक ठीक है ऑफ मैनी एंट्रीज ऑफ ऑन वन पेज एक तरीके से हम कह सकते हैं uh, कंसल्ट करने के लिए रीडर्स को बहुत इजी रहेगा इजीली कंसल्ट कर सकते हैं रीडर्स क्योंकि एक ही पेज पे वो काफ़ी सारी एंट्रीज देख सकते हैं इट डज नॉट ऑक्योपाई मच स्पेस ये ज़्यादा स्पेस कैरी नहीं करता है हम तो कुछ डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं insertions and withdrawal of entries or deletions is not possible as it is not flexible uh, हम कह सकते हैं entries को insert करना या withdrawal करना हटा देना या delete कर देना possible नहीं है क्योंकि ये flexible नहीं है it is high expensive for its production हम कह सकते हैं ये बहुत महंगा होता है इसकी production बहुत महंगी होती है हम कह सकते हैं issue of the supplements uh, takes much टाइम कहने का मतलब जो इसकी सप्लीमेंट को इश्यू करना इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है हैंस इट कैन नॉट शीफ फॉर्म अभी क्या होता है वो समझते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज लूज लीव फॉर्म इसे हम लूज लीव फॉर्म नाम से भी जानते हैं ठीक है इसका दूसरा नाम है लूज लीव फॉर्म आगे देखते हैं A शी फॉर्म ऑफ कैटेलॉग is वन इन विच स्लिप्स ऑफ पेपर आर put इन टू अ लूज लिव बाइंड एंड बाउंड बाय सम मैकेनिकल डिवाइस इन टू अ वॉल्यूम आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी जैसे कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं फाइल में एक शीट में प्रोजेक्ट बनाते हो और बाद में आप क्या करते हो उसको स्पायरल करवा देते हो डिफरेंट टाइप की स्पायरल आती है एक होती है प्लास्टिक की स्पायरल होती है और एक मेटल का स्पायरल रिंग स्पायरल रिंग आती है ठीक है तो हम कह सकते हैं ऐसे ही शी फॉर्म होता है पेपर्स में उसकी एंट्रीज करी जाती है स्लिप्स में उसकी एंट्रीज की जाती है और उसको एक मैकेनिकल डिवाइस उसकी आ, हम कह सकते हैं जो बाइंडर होता है लूज लिप बाइंडर होता है उसमें आ, रख दिया जाता है उसको बाइंड कर दिया जाता है ठीक है हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ईच एंट्री इज मेड ऑन सेपरेट स्लिप हर एक एंट्री जो होती है सेपरेट स्लिप पे की जाती है द एंट्रीज आर ईदर हैंड रिटर्न और टाइप जो एंट्रीज होती है हैंड रिटन भी हो सकती है या तो हैंड रिटन होगी या तो टाइप्ड होगी अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जैसे कि आप लोगों का फाइल होती है फाइल में आप कितने भी पेजेस डाल सकते हो इसमें शी फॉर्म के अंदर टोटल 500 से लेके 600 पेजेस होते हैं उसको लीव कहा जाता है उस पेजेस को स्लिप्स को लीव्स कहा जाता है अब हम देखने वाले हैं शी फॉर्म्स के एडवांटेजेस अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं इसका पहला पॉइंट ईजी टू कंसल्ट जो रीडर्स है उसे ईजिली कंसल्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है डुप्लिकेट एंट्रीज कैन बी मेड ईजिली डुप्लीकेट एंट्री की करी जा सकती है आसानी से अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस द फिलिंग एंड फिक्सिंग ऑफ शीट्स इनटू टू लूज लिप बाइंडर इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टी डी एस प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टीडीएस uh, का मतलब होता है बहुत बोरिंग और लंबा काम है ठीक है तो कह सकते हैं कि जो लूज़ लिप बाइंडर के अंदर अगर हाँ, शीप्स को डाला जाता है और स्लिप्स को डाला जाता है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है बहुत बोरिंग काम है बहुत लंबा काम है ठीक है एज इट इन्वॉल्व लॉकिंग एंड अनलॉकिंग एंड लॉकिंग टाइम एंड अगेन कहने का मतलब इसको बार बार खोलना बंद करना इस तरह के काम है इसके अंदर शामिल होता है हैंज इट इज इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द कैटलॉगिंग कहने का मतलब इसलिए हम कह सकते हैं इसको uh, जो मेंटेनेंस का काम होता है बहुत टफ काम होता है बहुत uh, मुश्किल होती है बहुत प्रॉब्लम होता है आउटर या फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग का अब ये नेक्स्ट टाइप आता है हमारा कार्ड फॉर्म अब ये क्या होता है वो समझते हैं इसका पहला पॉइंट इट इज द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल फॉर्म ये बहुत पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर है सभी में से ज्यादा पॉपुलर कौन सा है कार्ड फॉर्म है ठीक है इन दिस फॉर्म द बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल कार्ड हम कह सकते हैं कि एक सिंगल कार्ड में बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट लिखा जाता है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हर एक डॉक्यूमेंट का सिंगल कार्ड पे ठीक है मतलब एक जो डॉक्यूमेंट होगा उसका एक कार्ड पे करा जाएगा एंट्री बेब्योग्राफिकल एलिमेंट लिखे जाएंगे और दूसरे कार्ड पे दूसरे पे लिखा जाएगा अब यहाँ पे बिब्योग्राफिकल एलिमेंट क्या है कहने का मतलब कि उसका टाइटल क्या है उसका ऑथर क्या है उसका पेज क्या है उसका साइज क्या है आई नंबर क्या है सारा कुछ मैंशन होगा उसके अंदर ठीक है आप लोगों को अलग से वीडियो बना के सिखा रखा है कि कैटलॉगिंग कार्ड बनाते कैसे हैं दिस मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एवरी डॉक्यूमेंट ऑन अ सिंगल कार्ड इज नोन एज यूनिट यूनिट कार्ड प्रिंसिपल ऐसा मैथड जिसमें हर एक डॉक्यूमेंट का सिंगल कार्ड पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम ऐसे मैथड को हम क्या बोलते हैं यूनिट कार्ड प्रिंसिपल कहा जाता है दीज कार्ड स्टैंड इन अ कार्ड ट्रेस और कैबिनेट विथ पंच होल ऑफ अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम फॉर इंसर्टिंग द लॉक लॉकिंग रोड कहने का मतलब है उस कार्ड के बॉटम में एक हाफ सेंटीमीटर का उसमें छेद किया जाता है उसको एक रॉड में डाला जाता है और उसको कार्ड्स को एक कैबिनेट में रखा जाता है उस ट्रे के अंदर कैबिनेट में रखा जाता है अब हम कार्ड कैटलॉग के, के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं पहला पॉइंट द यूजर्स एंड द लाइब्रेरी स्टाफ कैन हैंडल इट विद ईज हम कह सकते हैं जो कार्ड कैटलॉग होता है यूजर्स भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइब्रेरी स्टाफ भी हैंडल कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द कार्ड द कार्ड्स आर हार्ड एंड टफ सो इट्स ड्यूरेबिलिटी इज लॉन्गर दैन अदर कैटलॉगिंग कार्ड हम कह सकते हैं जो कार्ड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और टफ होता है इसलिए उसकी कि लॉन्ग टाइम तक चल सकता है अदर कार्ड के कंपेरिजन में हम इसके डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं इसका पहला पॉइंट द कार्ड कैटलॉग ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस इन लाइब्रेरी जो कार्ड कैटलॉग uh, होते हैं वो ज़्यादा स्पेस कैरी करते हैं लाइब्रेरी के अंदर सेकेंड पॉइंट स्पीड ऑफ सर्च इन स्लोअर जो स्पीड होती है ढूंढने की स्पीड जो होती है ढूंढने की वो बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर्ड अगर मैं कंपेयर करूँ कंपेयर कंपेरिजन में बुक बुक फॉर्म के कम्पेरिजन में और शी फॉर्म ऑफ कैटलॉग के कंपेरिजन में जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है बहुत कम होती है आउटर या फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग का आप नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट टाइप है माइक्रोफॉर्म कैटलॉग अभी क्या होता है वो समझते हैं इन कैटलॉग्स एंट्री वर ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड प्रिंटेड अपॉन अ फिल्म और फीज कहने का मतलब है कि माइक्रोफाम कैटलॉग के अंदर जो एंट्रीज होती है वो रिड्यूस फॉर्म में होती है और प्रिंटेड होती है किसके अंदर अ फिल्म और हम कह सकते हैं फीश में द माइक्रोफॉर्म कैन नॉट बी रीड बाय नेकेड आइज़ नेकेड आइज हम कह सकते हैं कि आ, हम देख नहीं सकते हैं नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता है हमें मशीन आ, कोई मशीन की जरूरत होगी उसको कुछ पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए जैसे कि आप लोगों ने आ, साइंस में छोटा सुना होगा कि अगर हम कोई भी सेल का देखना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है ऐसे ही आ, हमें इसको देखने के लिए माइक्रोफॉर्म कैटलॉग को देखने के लिए हमें एक, आ, मशीन की जरूरत होती है आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो अ सुटेबल माइक्रोफॉर्म रीडर मैग्नीफाइज द रिड्यूस इमेज ऑन द फिल्म और फीज एंड प्रोजेक्ट दैम ऑन अ स्क्रीन इज नेसेसरी कंसल्टिंग अ माइक्रोफोम कैटलॉग इसका कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से एक रील की तरह होती है ठीक है अब छोटे छोटे तो उसके अंदर वो रिड्यूस साइज के अंदर होता है अब वो प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे दिखा, दिखाया जाता है हम कह सकते हैं ठीक है ठीके? स्क्रीन पे दिखाया जाता है उसके जो एंट्रीज होती है वो स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है और हम कह सकते हैं ये नेकेडाइज नहीं दिखाया जाता है इसमें प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी मशीन की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए इस माइक्रोफॉर्म कैटलॉग को इस्तेमाल करने के लिए अब हम माइक्रोफॉर्म कैटलॉगिंग के एडवांटेजेस देखते हैं क्या बोल रहा है पहला पॉइंट एट ए टाइम सेवरल रिकॉर्ड्स आर व्यूड हम एक टाइम पे बहुत सारे एंट्रीज देख सकते हैं काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट दीज कैटलॉगिंग आर वेरी इजी टू यूज एंड मेंटेन ये जो कैटलॉगिंग होती है इसको आ, इस्तेमाल करना बहुत ईजी है और हम कह सकते हैं इसको करना भी बहुत ईजी है हम इसके कुछ देखते हैं पहला पॉइंट कैन नॉट बी विदाउट माइक्रोफॉर्म रीडर इसको बिना डिवाइस के नहीं देखा जा सकता है माइक्रोफॉर्म रीडर के बिना देखा नहीं जा सकता है इसमें होना मशीन का होना जरूरी है नॉर्मल से नहीं देखा जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट यह क्या हो रहा है मीडियम एंड स्मॉल लाइब्रेरीज में नॉट बी बेनिफिटेड बाई दिस कैटलॉग एज माइक्रोफॉर्म रीडर्स प्रिंटेड आर uh, कॉस्टली हम कह सकते हैं कि मीडियम uh, जो लाइब्रेरीज होते हैं और जो स्मॉल लाइब्रेरीज होते हैं इसमें नहीं होता है क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं ठीक है इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं आउटर या फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग का सिक्स टाइप पढ़ने वाले हैं हम कंप्यूटर प्रोड्यूस बुक फॉर्म अभी क्या होता है वो समझते हैं दिस टाइप ऑफ बुक कैटलॉग वज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इस टाइप के जो बुक कैटलॉग होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कंप्यूटर की मदद से आगे पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन का जो क्षेत्र होता है और जो उसका स्ट्रक्चर होता है जो टोपोग्राफी होता है एक्सेट्रा कह सकते हैं वेरिड विभिन्न होते हैं विद द हम कह सकते हैं डिफरेंट होते हैं विद दैट ऑफ द कन्वेंशनल फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग हम कह सकते हैं वो अलग होता है कन्वेंशनल फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग से ये अलग होता है ठीक है द प्रिंट आउट अवेलेबल यूज टू बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन प्रिंटर आउटपुट जिसका प्रिंट आउट अवेलेबल होता है किस फॉर्म में होता है हम कह सकते हैं ये प्रिंट uh, आउट uh, कह सकते हैं कि लाइन प्रिंटर आउटपुट के फॉर्म में होता है मैनी इंस्टीट्यूट ऑफ रेपीट्यूड लाइक लाइब्रेरी ऑफ कॉन्ग्रेस यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एब्सट्रेक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ कैटलॉग बाई यूज ऑफ द कंप्यूटर कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जानी मानी इंस्टीट्यूट है जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इस्तेमाल करती है सर्विस प्रदान करने के लिए जैसे कि एब्सट्रैक्टिंग करने के लिए सर्विसेज एब्सट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए और इंडेक्सिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए साथ ही साथ वो कैटलॉग को प्रोड्यूस कैटलॉग का प्रोडक्शन करती है कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर के इस्तेमाल से कंप्यूटर प्रोड्यूसड बुक फॉर्म का अब हम एडवांटेजेस देखते हैं पहला पॉइंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज वॉज लेस जो उसके एक तरीके से मल्टीपल कॉपीज का जो प्रोडक्शन करना होता है उसकी जो लागत लगती है कॉस्ट जो लगता है वो बहुत कम लगता है आगे आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं द मेंटेनेंस कॉस्ट वॉज लो जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी कम होती है अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं प्रॉब्लम्स में राइज इन डिस्प्ले करंट एडिशन हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है आ, डिस्प्ले करने के लिए करंट जितने भी एडिशंस हैं और अगर हम चेंजेस करना चाहें एंड चेंजेस इन कैटलॉगिंग डाटा अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं कैटलॉगिंग डाटा में उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा सेवन्थ टाइप आता है मार्क एंड ऑनलाइन कैटलॉग अभी क्या होता है वो समझते हैं इन अ मशीन रिडेबल कैटलॉग मशीन रिडेबल कैटलॉग के अंदर एंट्रीज आर रेंडर्ड इन अ फॉर्मेट विच परमिट इनपुट कहने का मतलब जो एंट्रीज होती है वो मदद करती है फॉर्मेट की हम कह सकते हैं जो परमिट uh, करती है इनपुट को और कह सकते हैं एंड स्टोरेज ऑन मैकेनिकल टेप जो एक तरीके से स्टोरेज होती है मैकेनिकल टेप के अंदर और मैकेनिकल डिस्क के अंदर फॉर मैनुपलेन मैनुपलेन कह सकते हैं हम कि स्किलफुल हैंडलिंग सही तरीके से हैंडल करता है कंप्यूटर में हैंडल किया जा सकता है ठीक है हम कह सकते हैं फाइनली जो एंट्रीज होती है मदद करती है फॉर्मेट की इनपुट को परमिट करने के लिए स्टोरेज करने के लिए मैकेनिकल टेप्स के अंदर मैकेनिकल डिस्क के अंदर वो मैनुपलेन करने के लिए फॉर मेन्युपुलेशन इन कंप्यूटर ठीक है मार्क फॉर्मेट यूनिमार्क कॉमन कॉम्युनिकेशन फॉर्मेट आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारे ये तीन नाम बताए गए हैं मार्क यूनिमार्क एंड कॉमन कॉम्युनिकेशन फॉर्मेट जिसे हम सी कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं देअर आर कॉम्युनिकेशन फॉर्मेट डेट आर डिफरेंट फ्राम फिजिकल फॉर्मेट कुछ कॉम्युनिकेशन फॉर्मेट भी होते हैं जो फिजिकल फॉर्मेट से थोड़े अलग होते हैं एक्सेस टू द कैटलाग एंट्रीज में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी जो कंप्यूटर जो कैटलाग तक तो पहुँच प्रदान करती है एंट्रीज वो हमारी ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है ऑफलाइन मीन्स डेट द कंप्यूटर कैन बी यूज ऑफलाइन का मतलब होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ओनली एट अ सर्टेन टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है एट द अवेलेबल कंप्यूटर टाइम सर्च मस्ट बी मेड फॉर अ कलेक्शन और अ बैच ऑफ क्वेरीज कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम होगा उस टाइम पर सिर्फ कलेक्शंस होगी बुक की कलेक्शंस होगी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं क्वेरीज पूछे जाएंगे ऑनलाइन सिस्टम हाउ आर लिंक डायरेक्टली टू द कंप्यूटर्स विच कैन बी यूज इमीडिएटली हम कह सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम का मतलब होता है वो डायरेक्टली लिंक होते हैं कंप्यूटर से जो विच कैन बी यूज इमीडिएटली जो कभी भी uh, तुरंत ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एनी टाइम और कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्वेरीज़ के लिए फॉर प्रोसेसिंग क्वेरीज और सर्च कभी भी हम सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से बुक अवेलेबल है या नहीं है और क्वेरीज पूछा जा सकता है अब मार्क और ऑनलाइन कैटलॉग के एडवांटेजेस देखने वाले हैं इसका पहला पॉइंट इट कैन बी एफिशिएंसी। हम कह सकते हैं इसको अपडेट किया जा सकता है जल्दी से और एफिशिएंट तरीके से इस इट कैन सर्च ऑफ एनी बिब्रोग्राफिकल एलिमेंट सच इज ऑथर सब्जेक्ट पब्लिशर प्राइस हम कह सकते हैं कुछ भी सर्च करा जा सकता है कोई भी बिबियोग्राफिकल एलिमेंट uh, सर्च किया जा सकता है जैसे कि हम ऑथर चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं पब्लिशर कौन है प्राइस क्या है सब चेक कर सकते हैं उसके अंदर अब हम इसका डिसएडवाटेज देखते हैं बो द यूजर्स एंड द लाइब्रेरी नीड टू ट्रेन टू बी ट्रेन टू यूज द ऑनलाइन कैटलॉग ऑनलाइन कैटलॉग का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को भी ट्रेन होना जरूरी है और साथ ही साथ लाइब्रेरी स्टाफ को भी आ, सीखना ज़रूरी है ट्रेन होना ज़रूरी है अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ सी डी रोम्स कैटलॉग अभी सी डी रोम कैटलॉग होता क्या है वो समझते हैं देखो सी डी रोम्स आर ऑप्टिकल डिस्क जो सी डी रोम होते हैं वो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स इट कैन बी रिटर्न और रिकॉर्डेड कह सकते हैं लेजर बीम्स की मदद से वो लिखे जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं इट इज एन ऑफलाइन फॉर्मेट ये एक ऑफलाइन फॉर्मेट होता है लाइक द माइक्रोफॉर्म्स एक्सिलेंट सर्च ऑफ फैसिलिटीज ये जैसे कि माइक्रोफॉम एक्सिलेंट सर्च ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऐसे ये भी प्रोवाइड करता है ठीक है अब हम सी डी रोम के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं पहला पॉइंट इट प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि ये लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रदान करती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट प्रोवाइड हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड सर्च हम कह सकते हैं ये हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड सर्च प्रोवाइड करती है हमें अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ इसका पहला पॉइंट सिंस इट इज एन ऑफलाइन मीडियम इट फेसेस ऑल द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ ऑफलाइन कैटलॉग इसके कहने का मतलब है कि ये एक ऑफलाइन मीडियम है इसलिए जो ऑफलाइन मीडियम फेस करते हैं प्रॉब्लम ये भी वही फेस करता है प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सीडी डी रोम्स इज स्लो जो सीडी रोम्स जो होता है वो थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू जो हमारे अलग दो दूसरे कैटलॉग है